अच्छा अब ये एक प्रोग्राम देखना, एक प्रोग्राम बना रखा है मैंने जिसमें कि सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, सीरीज का सम का मतलब जैसे आपके सीरीज में नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक नंबर है, और आप चाहते हो कि 1 प्लस 2 हो, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, मतलब वो सारे ऐड होते रहें और लास्ट में एक रिजल्ट हमें दिखा दें। मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के हमारे क्वेश्चन रहते थे सीरीज का सम निकालने वाले, तो उसी को हमने प्रोग्राम के थ्रू कर रखा है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने ये देख लिया कि कैसे सीरीज प्रिंट कराते हैं, और क्योंकि वहाँ पे एक रिपीटेटिव वर्क था तो हमने प्रिंट करा दिया था। यहाँ पे भी रिपीटेटिव वर्क है, यानी कि हम 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 करने पे 3 आ जाएगा, 3 को फिर हम 3 से ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस 4। तो इस तरह से बार बार हम एक ही तरह का वर्क कर रहे हैं, यानी कि एडिशन का वर्क कर रहे हैं एक सीरीज के अंदर। तो नेचुरल सी बात है लूपिंग यहाँ पे एक अच्छा सॉल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पे लूप हमने यूज़ किया। अब इससे पहले कि इसके इस प्रोग्राम को हम समझे, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट के लिए मैं कंट्रोल के साथ F10 दबा रहा हूँ। तो आप अगर आउटपुट देखो तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिख रहा है, द सम इज इक्वल 55। ये द सम इज इक्वल 55 क्यों आया, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से ऐड करते रहोगे तो 1 से लेके 10 तक के जो नंबर होते हैं सबको ऐड करने पर उनका सम 55 आता है ना। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ, 20 कर दूँ, आप देखते हैं। कंट्रोल F9 कर रहा हूँ पहले, मैं पहले इसको सेव कर रहा हूँ। सेव किया और कंपाइल करने पे यहाँ पे अगर एरर होगी तो नीचे दिखा देगा, कंट्रोल के साथ में F9। ठीक है, कोई एरर नहीं आई। अब मैं कंट्रोल के साथ में F10 दबा रहा हूँ, तो इस बार सम उसने 210 दे दिया। ठीक है, ये सम हमारा 210 दे दिया। तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें हमें पता था कि एक तो हमने ले लिया इसमें n। ठीक है, वैसे इसमें n की वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें, इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हमें n की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइस और सम से ही हमारा काम चल जाएगा। आइस से ताकि हमारा लूप चलते रहे, और सम इसलिए जिसमें हमें टोटल एडिशन या सीरीज का सम जो है स्टोर करना। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, सम में 0 स्टोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने सम निकाला नहीं, तो 0 कर दिया। अब यहाँ पे हमने लूप चलाया, अब क्योंकि हमें सीरीज का जो सम था वो 1 से स्टार्ट करना था, तो हमने लूप को स्टार्ट कर दिया। भाई शुरुआत कहाँ से करें, तो हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। अगर आपको 5 के बाद के नंबर का सम चाहिए तो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आई इज इक्वल यहाँ पे 1 कर दिया, और कहाँ तक का सम चाहिए, मैंने यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू 10 दे रखा। तो ये अब इसमें हो गया क्या, स्टार्टिंग में आई 1 है। ठीक है, तो क्या 1 1, ये आई जो था इसमें हमने 1 स्टोर कर दिया। उसके बाद में बीच में आएगा कंडीशन को चेक करने के लिए, क्योंकि किसी भी लूप के अंदर तब वो आता है जब बीच में कंडीशन आपकी ट्रू हो। तो चेक करिए क्या आई 10 से छोटा या उसके बराबर है। आई के अंदर पड़ा हुआ है हमारा 1, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा या उसके बराबर है। कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1 10 से छोटा होता है। तो अंदर आएगा, अंदर क्या कर देगा, सम इज इक्वल सम प्लस आई, यानी कि सम इज इक्वल सम प्लस आई का मतलब क्या है, सम में पड़ा हुआ है 0। ठीक है, राइट साइड का स्टेटमेंट क्या है, इसको सॉल्व करेगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल 1 ही होता है, इसको स्टोर कर देगा यहाँ पे। तो इसको हम समझते हैं अपने जो डिजिटल बोर्ड है उस पर समझते हैं ड्राई रन कैसे इस प्रोग्राम पर चल रहा था, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो मैं ये अपना जो है बोर्ड खोल रहा हूँ और इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा कंडीशन है, स्टार्टिंग में हमारा आई है। ठीक है, आई में क्या है, वैल्यू 0 पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद में हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी हमारी आई इज लेसर देन इक्वल टू 10, और फिर लास्ट में हमारा क्या था, आई प्लस प्लस है। आई प्लस प्लस उसके बाद हमने अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ था सम इज इक्वल सम प्लस आई। और एक ध्यान और होगा, स्टार्टिंग में हमने जो वेरिएबल सम है उस ये लूप चलने से पहले सम को हमने 0 किया हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा सारा, ये तीनों चीज़ें मैंने फॉर लिखा नहीं है, लेकिन तीनों फॉर के अंदर है। अगर वहाँ पे दोबारा देखना चाहें, ठीक है, कोडिंग में अगर हम जाएँ
तो ये जो आई इक्वल वन आई इज लेसर देन, ये सब हमारा लूप कर रहा है, तो पूरा नहीं लिखना हमें, तो यानी कि क्या हो रहा है, सॉरी आई के अंदर जीरो नहीं है, आई के अंदर वन है, क्योंकि वन से हमें सम निकालना है। तो क्या होगा, क्या यहाँ देखो आई में वन हो, क्या वन 10 से छोटा है, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आने पे हमने ये वाली लाइन कोडिंग में लिखी है, सम इज इक्वल सम प्लस आई, तो सम में कितना है, जीरो, जीरो प्लस वन। तो यहाँ पे क्या करता है, राइट साइड वाले को, यानी कि जो ये हमारा ये जो इतना पोर्शन है इसको सॉल्व करेगा, सम इज इक्वल सम प्लस आई, यानी कि जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, और उसको स्टोर कर देगा कहाँ पे, ये जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर देगा, यानी कि जीरो प्लस वन वन हुआ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हटेगा और यहाँ पे वन आ जाएगा सम के अंदर, वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी दो, क्या दो 10 से छोटा है उसके बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आके क्या कर दे, सम प्लस आई कर दे। अब देखो सम प्लस आई का मतलब हो जाएगा, सम के अंदर अभी है वन और वन प्लस आई, आई के अंदर है टू, तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, थ्री को स्टोर कर देगा सम के अंदर ही, मतलब ऐड कर रहा है और स्टोर कर रहा है दोबारा से उसी के अंदर, तो वन प्लस टू थ्री, और किसके अंदर स्टोर कर दे, ये जो सम नाम का वेरिएबल, आप देखो सम के अंदर वन था, यहाँ से हट जाएगा और कितना आ जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू टू थी, आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, बीच में आएगा यहाँ पे कंडीशन को चेक करने के लिए, यानी कि यहाँ से आएगा यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, क्या आई 10 से छोटा है उसके बराबर है, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि आई के अंदर है इस वक्त थ्री, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी कर चुका है, टू के बाद थ्री कर चुका है, तो थ्री 10 से छोटा है, अंदर आएगा क्या कर दे, सम प्लस आई कर दे, सम के अंदर है थ्री और आई के अंदर है थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, और स्टोर किसके अंदर कर दे, सम के अंदर ही, तो ये थ्री का हो जाएगा यहाँ पे सिक्स, और ये करने के बाद में फिर आई प्लस प्लस करेगा और आई की वैल्यू फोर कर देगा। तो इस तरह से आपका लूप चलते रहेगा, लेकिन एक कंडीशन वो होगी जब आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 11 हो जाएगी, और यहाँ पे नेचुरल सी बात है सम भी हमारा चेंज हो चुका होगा, ठीक है, सम भी हमारा 55 हो चुका होगा, सम भी हमारा 55 हो गया होगा, लेकिन उस वक्त क्या होगा, जब आई 11 हो जाएगा तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्या आई 10 से छोटा है उसके बराबर है, आई के अंदर पड़ा रहा है हमारा 11, 11 10 से छोटा भी नहीं होता है और उसके बराबर भी नहीं होता है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम उसी पे वापस चले जाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई जब आई की वैल्यू 11 हो गई, जब जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब ये लाइन चलेगी नहीं इसके अंदर आ गई, लेकिन इस फॉर लूप के बाहर हमने ये वाली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है, हमने लिखा है प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, 10 सम आई लिखा हुआ और सम को प्रिंट कर दे, और सम के अंदर हमारी एक वैल्यू अभी आ चुकी है, वो वैल्यू है अगर 55, अगर आपने 10 तक दे रखी है सीरीज तो 55 प्रिंट कर देगा, अगर 10 से ज़्यादा देर का 20 तो 210, जो भी आप रेंज चेंज करोगे उसके हिसाब से प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये हमारा सीरीज सम का प्रोग्राम है।